नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। यूपी के रायबरेली के सदर तहसील के गुनावर यहां पर मंगलपुर गांव में कुछ दिन पहले चकबंदी के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बीच बवाल मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां कांग्रेस ने ग्रामीणों के पक्ष में डीएम कार्यालय के सामने जो आकर धरना प्रदर्शन किया, वहीं सपा के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी एक 8 सदस्य प्रतिनिधिमंडल जिले के पदाधिकारियों के साथ गांव पहुंचा और ग्रामीणों से इस पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही इस पूरे मामले में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यहां पर रोक के बाद भी प्रशासन पर सत्ताधारियों के दबाव में चकबंदी करने और ग्राम समाज की बंजर जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया। भैया भाई साहब, 307 का मुकदमा लिखा गया और जबकि लिखना चाहिए था गणेश सिंह और भू माफियाओं के ऊपर मुकदमा, उनके जनता के ऊपर मुकदमा लिखा गया इसलिए, और महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटा गया। गांव में जो हरचंदपुर के अंतर्गत गांव है, वहां पे जो चकबंदी का अभी चकबंदी वहां पर जो होना शुरू हुई वो अवैध रूप से की जा रही है, जबकि उससे रिलेटेड आर्डर जिलाधिकारी महोदय ने उस गांव में चकबंदी न होने का आर्डर किया। ग्रामीणों को और महिलाओं को बर्बरतापूर्वक जो है पुलिस द्वारा पीटा गया। चकबंदी के विवाद को लेकर, चकबंदी कराने को लेकर, जो कि चकबंदी जो है सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, उसके बावजूद जो है एक भाजपा नेता के भाई द्वारा जो है, कौन है भाजपा नेता? भाजपा नेता एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, उनके भाई द्वारा जो है जबरदस्ती जो है चकबंदी, बंदी वाले दिन जिस दिन सब बंद था, सरकारी दफ्तर से लेकर सब कुछ बंद होने के बाद भी वहां पे संबंधित अधिकारी पहुंचकर चकबंदी कर रहे थे।